सूर्य के ताप से किस तरह खुद को बचाएगा आदित्य L1, कैसे करेगा ये काम, जाने इसरो के प्लान। 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। अब से 4 महीने बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम क्यों दिया? आइए जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु हैं, जहां पहुंचने पर कोई वस्तु वहीं रुक जाती है। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह पृथ्वी से 15,00,000 किमी दूर लैग्रेंजियन बिंदु 1 में रहकर अपने अध्ययन कार्य को अंजाम देगा। और संस्कृत में सूर्य को आदित्य कहा गया है तथा L1 एक लैग्रेंजियन बिंदु का नाम है, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया। आपने अभी एक शब्द सुना है, लैग्रेंजियन बिंदु। आखिर क्या होता है लैग्रेंजियन बिंदु? लैग्रेंजियन बिंदु ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं, अर्थात लैग्रेंज पॉइंट पर सैटेलाइट बिल्कुल स्टेबल रह सकती है। यह सैटेलाइट बिना किसी रुकावट के लगातार सूरज को देख सकती है। यहां सूर्य ग्रहण भी बाधा नहीं बनता। अब सवाल है कि सूर्य के इतने अधिक तापमान में हमारा आदित्य L1 काम कैसे करेगा, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सूर्य के रहस्यों को कितना जान पाएगा आदित्य L1। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके सतह का तापमान 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिससे सूरज के नजदीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15,00,000 किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा तक जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट का मानना है कि आदित्य L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा। सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा आदित्य L1? सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा आदित्य L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने बताए मिशन के कई मुख्य उद्देश्य। आदित्य L1 मिशन के उद्देश्यों की बात करें तो यह L1 पॉइंट पर रहकर सूरज का अध्ययन करेगा। यह सूर्य के वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह क्रोमोस्फियर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। यह मिशन सूर्य के वायुमंडल की बनावट, तपने की प्रक्रिया, सौर विस्फोट के कारण को स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन के जरिए इसरो क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन किया जाएगा। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल को और सटीक बनाने में अहम साबित होगा। ऐसा करने वाला तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगा इसरो। यह मिशन सूर्य के अंतरिक्ष आधारित अध्ययन में भारत का पहला प्रयास है। अगर यह अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु L1 तक पहुंचा तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो वहां सौर वेधशाला स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगा। लैग्रेंज बिंदु L1 के पास रखा गया कोई भी सैटेलाइट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, जिससे चंद्रमा या पृथ्वी द्वारा कोई बाधा उत्पन्न किए बिना इसके द्वारा सूर्य का निर्बाध अवलोकन किया जा सकेगा। इसमें खास बात ये कि आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा, जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही सूर्य के करीब आएगा। आदित्य L1 के माध्यम से हम यह जान सकेंगे कि सभी ग्रह सूर्य की व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार परिक्रमा कर रहे हैं, वह इस तरह कैसे बना, पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई, क्या संपूर्ण सौरमंडल सूर्य से ही निकला है या पृथ्वी से, सौरमंडल के ग्रह कहीं और से आए हैं। उपयुक्त सभी जानकारी आदित्य L1 के माध्यम से अर्जित की जा सकेगी। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 ऐसे बिंदु हैं जहां पर किसी भी वस्तु को ना तो खींचा जा सकता है और ना ही धकेला जा सकता है। आदित्य L1 को अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए 125 दिन लगेंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।